शिक्षक साथियों नमस्कार। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि यदि हमें अपनी योग्यता को बढ़ाना है तो उसके लिए विश्वविद्यालय परीक्षा दिलानी होती है और उस परीक्षा में बैठने के लिए सबसे पहले हमें अपने विभाग की अनुमति की आवश्यकता होती है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अनुमति प्राप्त करने के लिए कौन सा फॉर्म अपने विभाग में भरना होगा और उसे कैसे भरना होगा। इसके साथ ही साथ उस फॉर्म के साथ आपको कौन कौन से अन्य प्रपत्र संलग्न करने की आवश्यकता होगी, इसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले निवेदन चाहूंगा कि आप सभी देख रहे हैं आपका अपना चैनल उज्जवल लक्ष्य 2.0, जिसमें आपके लिए इसी प्रकार के बहुत ही बेहतरीन वीडियो आते हैं। अतः चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आगे आने वाले कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे चुके ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको इस फॉर्म को भरना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं जो फॉर्म है उसको मैं साथ ही साथ भरते जा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। फॉर्म में जो पहला कॉलम है आप देख सकते हैं, पहली जानकारी है यहाँ पर प्रति श्रीमान, तो यहाँ पर आप लिखेंगे विकासखंड शिक्षा अधिकारी। उसके बाद नीचे में आप विकासखंड का नाम लिखेंगे, जिला का नाम लिखेंगे, उसके बाद राज्य का नाम लिखेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं विषय को प्रमुख रूप से समझिए। विषय है विश्वविद्यालय परीक्षा में सम्मिलित होने अनुमति बाबत। तो मैं अग्र लिखित जानकारी के साथ यहाँ पर खाली स्थान जगह दिया है कि परीक्षा में प्रविष्ट होना चाहता हूँ। तो यहाँ पर कौन से परीक्षा कर ले, जैसे कि आपकी शुरुआती योग्यता जब आप नौकरी में आए थे तो 12वीं पास थे, सहायक शिक्षक LB की बात कर रहा हूँ। अब इसको आप बढ़ाने के लिए मान लीजिए आप BA करना चाहते हैं या BSc करना चाहते हैं या अन्य प्रकार से कोई कोर्स के साथ ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो कहेंगे स्नातक, आप लिखेंगे स्नातक। अब स्नातक के बाद ब्रैकेट में जो आप करना चाहते हैं, जैसे BA करना चाहते हैं तो यहाँ पर BA लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको आवेदक का नाम लिखना है, इसको यहाँ पर लिखना नहीं है, मैंने समझाने के लिए यहाँ पर लिखा था, इसको काट दीजिएगा। आवेदक का नाम यहाँ पर अपना नाम लिखना है, यहाँ पर पिताजी का नाम लिखना है। उसके बाद आपका पद क्या है, जैसे आप सहायक शिक्षक LB है तो सहायक शिक्षक LB पूरा लिखेंगे, सहायक शिक्षक LB, ठीक है, ये LB आपका पद है टोटल। उसके बाद आपका जन्मतिथि क्या है, जन्मतिथि का उल्लेख करेंगे, सॉरी यहाँ पर जाति का उल्लेख है, उसके बाद जन्मतिथि है पांचवें कलम में। उसके देख सकते हैं छठवें में है कार्यरत शाला का नाम, तो अभी वर्तमान में आप जिस शाला में पदस्थ है उसका नाम लिखेंगे। मान लीजिए आपका शाला मूल शाला अलग है लेकिन आप व्यवस्था में किसी अन्य शाला में संलग्न है तो संलग्न शाला का नाम नहीं लिखेंगे, यहाँ पर आपकी पोस्टिंग अभी जिस शाला में है वहां का करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता, तो शैक्षणिक योग्यता आपका अभी सर्विस बुक में कितना दर्ज है, सर्विस बुक में जो सर्विस जो आपकी योग्यता होगी शैक्षणिक योग्यता उसी को ही यहाँ पर भरना है, ठीक है। उसके बाद प्रथम सेवा आरंभ तिथि, आपने नौकरी की शुरुआत कब की, इसको करना है। उसके बाद वर्तमान शाला में पदांकन तिथि, वर्तमान शाला में यदि आप ट्रांसफर के माध्यम से या प्रमोशन के माध्यम से आए हैं तो उसका एक अलग डेट होगा, और यदि आप शुरुआत से उसी शाला में हैं तो ये डेट सेम रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद देख सकते हैं परीक्षा का नाम जिसमें आप सम्मिलित होना चाहते हैं, तो इसी को लिख दीजिएगा स्नातक फिर BA। उसके बाद क्या पूर्व में आप परीक्षा में बैठे थे, यदि हाँ तो आदेश क्रमांक व स्थान लिखिए। इसको समझिए, आपने जब नौकरी की शुरुआत की उस समय मान लीजिए आपकी योग्यता 12वीं और DED था, ठीक है, 12वीं और DED था। उसके बाद आपने क्या किया बीच में, और आपने योग्यता बढ़ाने के लिए मान लीजिए BA कर लिया, ठीक है, तो इसके लिए आपने अनुमति लिया होगा, है ना, इसके लिए अनुमति लिया होगा। और मान लीजिए अब यहाँ तो मैंने उदाहरण BA का दिया था लेकिन हो सकता है MA के लिए भर रहे हैं, तो मान लीजिए यहाँ पर MA के लिए फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो आपको इस कॉलम में इस परीक्षा के संबंध में आपने जो आदेश आपको जो आदेश मिला था अनुमति का उसका उल्लेख करेंगे, क्रमांक और दिनांक का। और यदि आप सीधे नौकरी के बाद पहले बार योग्यता बढ़ाने के लिए आवेदन कर रहे हैं तो इस कॉलम को आपको ब्लैंक छोड़ देना है, यहाँ पर कुछ भी नहीं भरना है, क्लियर है। उसके बाद पिछली परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि व सत्र, ठीक है, इसको आप लिख लेंगे, जो आपने लास्ट योग्यता जो हासिल किया था वह कब किया था। उसके बाद प्रधान पाठक की सहमति बहुत आवश्यक है, यहाँ पर प्रधान पाठक की सहमति लिख दीजिएगा कि परीक्षा में बैठने पर सहमति दी जाती है, इस प्रकार से आप कम शब्दों में लिखवा दीजिएगा। उसके नीचे यहाँ पर आपको प्रधान पाठक का दस्तखत करवाना है, ठीक है, उसके साथ ही साथ उसका सील भी लगवाना है, और यहाँ पर आप प्रतिलिपि अपने नोडल को भी देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना हस्ताक्षर करना है, हस्ताक्षर के साथ साथ नाम, पदनाम, कर्मचारी कोड, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भी देख सकते हैं, ताकि संपर्क की आवश्यकता पड़ती है तो आपसे संपर्क किया जाए।
ये तो हुआ आवेदन का फॉर्मेट, इस प्रकार से आवेदन आपको भरना है। अब हम बात करते हैं इसके साथ आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट और जमा करना है। तो सबसे पहले आपका जो नियुक्ति आदेश है या पदभार ग्रहण तिथि का जो कार्यभार प्रतिवेदन रहता है उसको आप जमा करेंगे। उसके बाद आपकी जो लास्ट शैक्षणिक योग्यता है उसको जमा करेंगे। इसके साथ ही साथ यदि इसका जो नोटिफिकेशन है, इसमें तो नोटिफिकेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो दो ही चीज़ पर्याप्त है। पहला आपका ज्वाइनिंग लेटर, उसके बाद है लास्ट शैक्षणिक योग्यता। और जो अन्य है, यदि आप जिस विभाग में जमा कर रहे हैं उनके कर्म वहाँ के ऑफिस में कोई प्रकार के निर्देश प्राप्त होते हैं तो अन्य डॉक्यूमेंट को आप कर सकते हैं, दो पर्याप्त रहते हैं। ठीक है, तो इस ऐसा नहीं है कि दो ही करना है ना, वहाँ पर विभाग में ऑफिस में जब जाएंगे तो हो सकता है कुछ और चीज़ मांगे, तो उसको भी यहाँ पर आपको अटैच करना है। तो इस प्रकार से कंप्लीट जानकारी के साथ आप आवेदन लेकर विभाग में चले जाइए, निश्चित तौर पर आपका आवेदन स्वीकार होगा। और कोई भी प्रकार की और जानकारी है तो विभाग से प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार।